बड़ों को नमस्ते, छोटों को हाय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सर? दोस्तों हमारे गांव में वॉलनट तैयार हो चुके हैं और जो आज का ब्लॉग होने जा रहा है वो वॉलनट्स के ऊपर ही होने जा रहा है। हर जगह अपने एक स्पेशल चीज़ के लिए फेमस होता है, हर जगह की एक अपनी स्पेशलिटी होती है। वैसे मैं मेरे गांव की बात करूं तो मेरे गांव में अखरोट बहुत ज़्यादा होते हैं, अखरोट की पैदावार काफ़ी ज़्यादा होती है, जिस वजह से गांव मेरा गांव फेमस है अखरोट के लिए। तो चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं अखरोट का ब्लॉग, इसमें जिसमें मैं आप लोगों को दिखाऊँगी कि अखरोट के झाड़ने से सुखाने तक का प्रोसेस कैसा होता है और कितनी डिफ़िकल्टी आती है अखरोट को अखरोट के पेड़ से उतारने में। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। और ये देखिए दोस्तों अखरोट हो चुके हैं तैयार। कैसे लगा पता है? देखिए जो अखरोट के कवर है वो उसमें दरारें पड़ गई है बाहरी साइड से। और मैं भी पहुंच गई हूँ जहाँ पे अखरोट गिरा रहे हैं। सबसे पहले मैं एक फ्रेश एप्पल खा लेती हूँ। इस वक्त हम यहाँ अखरोट गिरा रहे हैं, उसके पेड़ के नीचे नहीं जा सकते क्योंकि अगर गलती से वो सर पे बच जाए तो बड़ी जोर से बचता है। मामू देखिए दोस्तों, मामू कितने बड़े पेड़ पे चढ़े हैं और ये पेड़ बहुत ही बड़ा है और चढ़ना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। मामू तो खैर ठहरे एक्सपीरियंस वाले, लेकिन बहुत ज़्यादा रिस्की काम है ये। तो ऐसे झाड़ते हैं अखरोट को अखरोट के पेड़ से। ये अभी तैयार नहीं हुआ है, ये देखिए। जो पकने के बाद ये छिलके अपने आप निकलते हैं, जो सख्त सख्त है उनको मतलब किसी चीज़ से ढक के रखते हैं। फिर कितने दिन बाद? 15-20 दिन के बाद फिर निकालते हैं ऐसे ही। ये देखिए अभी तो काफ़ी उठाना बाकी है और एक कट्टा पूर कर लिया है। और ये देखिए दोस्तों, जो ये वाले अखरोट है ये अभी पके नहीं है, अभी इनके छिलके ढंग से उतरे नहीं है। जैसे मम्मा बोल रहे थे कि इनको हम स्टोर करके रखेंगे और कुछ दिनों बाद फिर जाके हम इसको पत्थर से तोड़ेंगे इसके बाहर के कवर को, उसके बाद से हमारा निकल जाएगा अंदर से वॉलनट।
और ये देखिए तैयार हो गए होते पेट में। तो घर जाएंगे, इनको हम सेपरेट करेंगे। देखिए हरे अखरोट, देखे कभी आपने तो देख लीजिए आज। मामू जी अखरोट जाके थक गए, आ गए हैं, रेस्ट कर रहे हैं, थोड़ा इनसे बात कर लेते हैं। बहुत रिस्क वाला काम होगा ये। हाँ बहुत रिस्क है इसमें चढ़ने के लिए, आज के जनरेशन में नए लड़के चढ़ नहीं पाते हैं। हाँ बहुत बड़े बड़े पेड़ है ना, बड़े बड़े पेड़ है, इसके लिए भी प्रैक्टिस होता है। अच्छा प्रैक्टिस करते थे आप लोग बचपन में? हाँ, चढ़ने से पहले देखना पड़ेगा सुखा टहनी तो नहीं है, जब डंडा जिलाएंगे उस टाइम देखना पड़ेगा टहनी ठीक है, बैलेंस बनाया हुआ है। अच्छा ये सब देखना पड़ता है, सारा कुछ बैलेंस बना के तब डंडे को हिलाना पड़ता है। एक बार गिर गए तो फिर तो बचना मुश्किल, इतने बड़े पेड़ से मुश्किल है। अपंग सदा के लिए। आज सीजन आया हुआ है अखरोट झाड़ने का। कितने महीने लगता है ये सीजन? बस एक महीना लग ही जाता है। एक महीना पूरा? पूरा एक महीना। अच्छा अच्छा है। अखरोट भी कागजी होता है, एक होता है दूसरा सख्त, एक होता है दूसरा मीडियम जैसा, तीन प्रकार के अखरोट होते हैं हमारे। अच्छा हमारे यहाँ तीन प्रकार के अखरोट होते हैं, एक तो ये वाला कागजी। हाँ बिल्कुल ही होता है, ये भी कागजी है। खासी तोड़ दिया आपने। जितना सूखेगा उतना अच्छा टूटेगा ये, जितना सूखेगा उतना नरम हो जाएगा ये। अच्छा ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। मम्मी ने वॉलनट्स को छांट कर सेपरेट कर दिया था, जिनके छिलके अभी नहीं उतरे हैं उनको अलग कर दिया था, और जिनके छिलके निकल गए हैं उनको अलग कर दिया था। तो ये 3 या 4 दिन के बाद की बात है, जो मम्मी ने अलग की कर दिए थे वो अखरोट तो सूख कर तैयार हो गए थे, लेकिन जो जिनके कवर अभी नहीं उतरे थे उनको अभी अलग करना बाकी था। तो बस अब हम वही करेंगे। मेहंदी लगा के रखना, दूधी सुतों को रखना। हाँ अखरोट का मेहंदी है। इसके छिलके, क्योंकि छिलके इसके होते हैं कड़वे। दोस्तों अखरोट सूखकर ड्राई हो चुके हैं बिल्कुल और रेडी हो गए हैं, तो इसको हम स्टोर करके रख देंगे अब। तो जब अखरोट खा ही रहे हैं तो क्यों ना हम थोड़े इसके फ़ायदों की बात कर लें। सबसे पहले अखरोट एक एंटी कैंसर पदार्थ है, जो कैंसर्स के जो सेल होते हैं उनको रिड्यूस करता है ये, उनकी ग्रोथ को काफ़ी कम कर देता है। और मेनली दोस्तों जो वुमेन्स में प्रॉब्लम होती है ब्रेस्ट कैंसर की, ये उसके डिजीज़ को बहुत कम कर देता है। दोस्तों अखरोट हमारे हार्ट के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, क्योंकि उसमें ओमेगा 3 अल्फ़ा लेनोलेनिक एसिड होता है, जिसकी वजह से जो हमारे बॉडी में जो क्लॉटिंग होती है ब्लड की उसको काफ़ी रिड्यूस कर देता है, वो काफ़ी कम कर देता है। और अगर मैं एक सबसे मज़ेदार किस्से की बात करूँ, तो अखरोट में कैसा रेयर और यूनिक
फीचर होता है जिसकी वजह से जो हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल्स होते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर में बुढ़ापा आता है, उनकी स्पीड को काफ़ी धीमा कर देता है। इट मीन्स कि हम लंबे टाइम तक जवान रह सकते हैं। इसलिए अगर आप खुद से प्यार करते हैं, अपने हार्ट से प्यार करते हैं, तो रोज़ 2 से 3 दाने अखरोट खाइए और अपनी सेहत को बरकरार रखिए। लास्ट में अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट्स की, दोस्तों ये ब्रेन के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, क्योंकि इसमें विटामिन ई होता है जो आपकी मेमोरी पावर को इंक्रीज करता है। इसमें अल्फा 3 फैट्स होते हैं। तो बस दोस्तों, आज के ब्लॉग में इतना ही। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने इस वाले ब्लॉग में क्या क्या सीखा। तो मिलते हैं नए ब्लॉग में नए नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए हिमालयन स्नोबर्ड आप सबसे लेती है विदा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और जो मेरी वीडियो को देख रहा है वो सब्सक्राइब करते करते जाइए, और साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को फटाक से मिल जाए। तब तक के लिए बाय बाय। हे शिक्षे।